सो गाइस, कुल्हड़ पिज्जा के ऑनर सहज अरोड़ा ने करण दत्ता वाइन्स के ऊपर डायरेक्टली अपने वीडियो में ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने किसी लड़की के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है और फेक वीडियो वायरल करी है। बताया जा रहा है कि जिस लड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी उसे अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, बट करण दत्ता वाइन्स को लेकर कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं किया गया है। बट इस चीज़ से करण दत्ता अपने चैनल पर लगातार सहज को रिप्लाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठे एलिगेशन जो तुम लगा रहे हो मुझ पर, अगर साबित नहीं कर पाओगे कसम है कि तुम हमसे माफ़ी मांगोगे वरना तुम्हारे ऊपर उल्टा डिफेमिनेशन का केस ठोकेंगे। वायरल की दिया, तेरे को कोई सबूत सीगा? तेरे को सबूत है किसी ने मैसेज भेजा या कोई एक बंदा दस जिन मैं वीडियो भेजी होगी जाके नेट पे पा दो, कुछ है नहीं ना? जे है तो अगे रख नहीं था हूँ मैं तेनों कहना, मैं चला इस वीडियो के बाद मैं चला पुलिस स्टेशन, मैं तेरे उत्ते केस करना डिफेमिंग का कि हाँ बिना किसी सबूत के बिना किसी कानूनी कार्रवाई के बिना। जब कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ तो क्यों मेरा नाम बदनाम कर रहे हो? हर जगह मेरा नाम आ रहा है। उनका ये भी कहना है कि कुल्हड़ पिज्जा कब उसने जान बुझ के अपनी वीडियो वायरल करी है हाइप में आने के लिए, बिकॉज इधर बीच उनकी हाइप कम हो गई थी। करण दत्ता वाइंस गलत है या फिर सहज अरोड़ा, ये तो वक्त आने पता चलेगा, बट तब तक वीडियो को वायरल ना किया जाए यही गुजारिश है सबसे। सो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और चलो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। टिल देन चेंज द मातरम, गुड बाय।